प्रणब मुखर्जी ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा विश्वविद्यालयों को खुली अभिव्यक्ति और वाद विवाद का केंद्र होना चाहिए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति दिशाहीन। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया स्क्रैमजेट इंजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा स्वाति मालीवाल को गिरफ्तार कर पद से हटाना चाहते हैं पीएम मोदी। अयोध्या कांड पर बोले सपा मुखिया मुलायम सिंह 16 की जगह 30 कार सेवक मारे जाते तो भी हम पीछे नहीं हटते। यूपी में अखिलेश सरकार ने जयाप्रदा को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। यूपी के आजमगढ़ में मायावती आज करेंगी रैली। दिल्ली के निहाल विहार में दीवार ढहने से 2 की मौत। जम्मू कश्मीर में 51वें दिन भी कर्फ्यू जारी। आतंकी बुरहान वानी के पिता ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। बलूचिस्तान के शीर्ष राष्ट्रवादी नेता ब्रह्मदाग मुफ्ती ने कहा बलूचिस्तान में मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा रही है पाक सेना। ढाका हमले के मास्टरमाइंड और उसके 2 सहयोगियों को बांग्लादेश पुलिस ने किया ढेर। उत्तर कोरिया ने दी अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर गोला दागने की धमकी। तुर्की में हिजाब पहनकर ड्यूटी कर सकेंगी महिला पुलिसकर्मी। सिंधु साक्षी दीपा और पुलेला गोपीचंद को आज बीएमडब्ल्यू देंगे सचिन तेंदुलकर। फ्लोरिडा में पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 1 रन से हराया। सचिन तेंदुलकर ने कहा भारत वेस्टइंडीज दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया। बिग बॉस 10 का धमाकेदार प्रोमो रिलीज एस्ट्रोनॉट लुक में दिखे सलमान खान। गायक अभिजीत ने कहा हिंदी फिल्म उद्योग में एक राष्ट्रवादी होने की भारी कीमत चुका रहा हूं। फिल्म डियर माया के साथ बॉलीवुड में वापसी कर रही है मनीषा कोइराला।